पिछले कुछ दिनों में मुझे उत्तर प्रदेश में जहां जहां जाने का सौभाग्य मिला है, मैं देख रहा हूं उत्तर प्रदेश में परिवर्तन की लहर नहीं, परिवर्तन की आंधी चल पड़ी है। आंधी चल पड़ी, ऐसा लग रहा है कि आने वाले चुनाव में उत्तर प्रदेश का हर नागरिक परिवर्तन का संकल्प पूर्ण करने के लिए जी जान से जुट गया है। 8 नवंबर को हमने नोटबंदी का निर्णय किया। आप जानते हैं कैसे कैसे लोगों के पसीने छूट गए हैं, जिन्होंने गरीबों का लूटा है वे आज परेशानियां झेल रहे हैं, रास्ते खोज रहे हैं। गरीबों के घर जाकर के कतार लगा के खड़े हो गए थे कि मेरे पैसे हैं कुछ तुम रख लो, बैंक में जमा कर दो ताकि मैं बच जाऊं। भाइयों बहनों, जब 1000 की नोट थी तो 100 की नोट को कोई पूछता नहीं था। अब 1000 और 500 की चली गई तो 100 वालों की ताकत बढ़ गई, ताकत बढ़ गई। वो भी दिन थे जब बड़े बड़े लोगों की पूछ होती थी, छोटे लोगों को पूछता नहीं था। अब छोटी नोट भी पूछी जाती है, पूजी जाती है, छोटे लोग भी पूछे जाते हैं, पूजे जाते हैं। ये बदलाव आया है। आपने देखा होगा ये उत्तर प्रदेश का अधिकार है, ये उत्तर प्रदेश का गौरव है कि उत्तर प्रदेश ने देश को स्थिर सरकार देने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। 30 साल तक देश में स्थिर सरकार नहीं थी, समझौते से गाड़ी चल रही थी, निर्णय नहीं होते थे, पूरी देर एक को संभालो तो दूसरा नाराज, दूसरे को संभालो तो तीसरा नाराज, वो अपनों को संभालने में लगे, देश को संभालने के लिए उनके पास समय नहीं था, देश को संभालने के लिए उनकी प्रायोरिटी नहीं।